तो हेलो दोस्तों, हम हैं अरुणेश त्रिवेदी व्लॉगर और अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए, जो कि बारिश का माहौल बन चुका है और हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, हरे भरे और सुंदर सा लग रहा है अमर शहीद पथ लखनऊ। और आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है, सो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ से हैं और कितनी बारिश इस समय हो रही है, गांव में कितना पानी भरा, शहर में कितना पानी भरा। अभी हमारे यहाँ तो उतना पानी नहीं बारिश हुआ है कि भरने तक हो जाए, तो प्लीज आप लोग बताएं जरूर। और अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए, सुबह सुबह का मौसम है और सुबह 7:29 हो गया है हमारी गाड़ी की घड़ी में, और स्पीड भी ज़्यादा तेज नहीं है हमारी गाड़ी की, अच्छी स्पीड चल रही है और चलते चल रहे हैं एयरपोर्ट की ओर सुबह सुबह अपने ड्यूटी पे। और आप लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि कमेंट आप लोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ इस समय बारिश हो रही है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी ऐसी है कि इसमें हम न्यूज नहीं देख पाते हैं और टीवी पे या फिर पेपर पे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, तो हो सकता है हम यूट्यूब पे थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, तो हो सकता है कि इसमें हम आप लोगों को देख लें और अच्छा लगेगा कि लोग हमसे इतना जुड़े हैं और हम लोगों से इतना जुड़े हैं यूट्यूब फैमिली से, और आप लोग अपना हाल चाल भी बताएं, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और इस समय हम चल रहे हैं ये अमर शहीद पथ से, हम आ गए हैं अभी एयरपोर्ट रोड पे डायरेक्टली, जो एयरपोर्ट जाती है, अभी नई रोड बनी हुई है ये और बहुत सुंदर है हमारा लखनऊ। आप लोग अगर बाहर से हैं तो प्लीज एक बार आइए लखनऊ एंजॉय करने, लखनऊ बहुत अच्छा शहर है घूमने के लिए, फिरने के लिए और खाने के लिए भी। और ये आ गया आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ा स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत तगड़े मोड़ हैं। फिलहाल तब भी थोड़ा सा गाड़ी को रन में घुमाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मस्ती करने में मजा आता है कभी कभी अकेले रहते हैं तो, कभी कभी नहीं, ओनली मंडे मंडे अकेले रहते हैं, बाकी तो सब जी साथ में रहते हैं तो ज्यादा गाड़ी को नहीं कुछ कर सकते हैं। और ये सर घुमा दिया गाड़ी, वाओ मजा आ गया। तो हम पहुंचने वाले हैं अभी एयरपोर्ट, तो ये आ गया लक्ष्मण भगवान जी का स्थान, ये देखिए यहाँ चौराहे पे लक्ष्मण भगवान जी बैठे हैं और तीर बाण लेके कोई भी शैतानी करेगा तो उसको उड़ा देंगे। और ये प्रभु की नगरी है लक्ष्मणपुर या लक्ष्मण नगर, अभी पूरा नॉलेज नहीं है, वैसे तो पुराने लोगों का कहना है कि लखनऊ लक्ष्मणपुर से जाना जाता है, जो कि पहले लक्ष्मणपुर था, फिर लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण से फिर लखन हुआ, लखन से फिर लखनऊ हो गया, ऐसा लोगों का कहना है, पुराने लोगों का। तो यहाँ की हिस्ट्री जो है, पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आप लोगों को तो एक बार यहाँ आना ही पड़ेगा। तो हम पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट, जो कि यहाँ कुछ पूछताछ हो रही है शायद, और सबसे नहीं होनी चाहिए, जो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उनकी पूछताछ होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हाँ ये देखिए, हाँ ये ले लूँ, कुछ वीआईपी वाला जो सिस्टम हो गया है, जो भी वीआईपी है उनके लिए अलग का है, ये हज एंट्री वालों के लिए अलग है। और हम अब एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, जो कि अभी मेन पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं। सुबह सुबह भी कुछ खाया पिया है नहीं और खाली पेट ऐसे निकल लिए हैं, क्योंकि जब जल्दी निकलना होता है तो कुछ बना नहीं पाते हैं, और आज तो पानी भी नहीं पिए हैं, ऐसे ही चले आए हैं, इस वजह से गले में खराश टाइप में लग रहा है। सुबह उठे और नहाए धोए फ्रेश हुए और चुपचाप चले आए गाड़ी उठा के, बारिश भी हो रही थी तो बाहर कुछ मिला भी नहीं खाने के लिए, और थोड़ा सा हम लेट भी हो गए थे इस वजह से कहीं रुके भी नहीं, तो गले में खराश टाइप में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खा लें और पानी पी लें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो
तो फिलहाल गाड़ी में हमारी नमकीन वगैरह रखा है, नमकीन बिस्किट रखते हैं, लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो ये सब रखना पड़ता है अपने को, इस वजह से ये अभी गाड़ी खड़ी करेंगे तो पानी पियेंगे। और ये आ गया एयरपोर्ट का टोल, ये देखिए एयरपोर्ट का टोल आ गया जो कि अपने आप यहाँ पुश करना है। और हालांकि हमें लग रहा मैडम जी दे देंगी पर्ची, पुश करेंगी और पर्ची निकलेगी और उसको लेके तब ये जो है बैरिकेटिंग खुलेगी तो हम लोगों को अंदर जाना होगा। सो ये मैडम जी यहाँ दे रही हैं, ये मिल गई पार्किंग पर्ची, इसको रख देते हैं हम साइड में और मिरर चढ़ाते हैं। और ये आ गया आपका एयरपोर्ट, प्यारा सा सुंदर सा एयरपोर्ट देखिए, क्योंकि ये जरा सा शीशा हम साफ करते हैं, शीशा हमारा गंदा हो रखा है बारिश की वजह से। अब दिखेगा आप लोगों को बढ़िया सा एयरपोर्ट, जो कि अंदर तो नहीं जाने को मिलेगा लेकिन बाहर से हम आपको एयरपोर्ट दिखा सकते हैं। तो ये देखते रहिए एयरपोर्ट, भाई साहब सामने आ गए गाड़ी के बिना पीछे देखे हुए, ये कुछ लोगों की गंदी आदत होती है जो पीछे देखते नहीं हैं। और यहाँ से प्रस्थान करने का है डिपार्चर का, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, और अगर आप जो है टिकट है तो, नहीं तो ये बाहर जैसे लोग टहल रहे हैं ऐसे आप भी टहलिए मस्ती करिए, उसका यहाँ कोई चार्ज नहीं है। और ये चौधरी चरण सिंह जी हैं, आपका एयरपोर्ट अब ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे, स्पीड ब्रेकर हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है तो आप लोग इतना भी देख के परेशान हो जाएंगे। और ये देखिए सामने हमारे सिक्योरिटी, जो आर्मी की सिक्योरिटी है, ये कैसे यहाँ तैनात है अपना सा कवर्ड करके, सारा सब कुछ कवर्ड है इनका। और अब हम लोग चल रहे हैं VIP पार्किंग की तरफ, जो कि ये एयरपोर्ट टर्मिनल उधर नया बनना है, वन बनेगा शायद, तो उधर नए हम लोग नहीं जाएंगे, अभी बना रही है अडानी कंपनी बना रही है जिसमें हम लोग अटैच हैं, तो जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। और हमारी तो जो है हमारा तो पेपर भी बना हुआ है अडानी का, तो अगर हम जाना चाहें जा सकते हैं, बट क्या करना जाके, इस वजह से फिर आपको कभी अडानी का एयरपोर्ट दोबारा से दिखाएंगे मस्ती से। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। तब तक के लिए बाय बाय।